नितिन गडकरी के दफ्तर को उड़ाने की धमकी देने और रंगदारी मांगने वाले गैंगस्टर जयेश पुजारी को नागपुर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कर्नाटक की बेलगांव जेल में बंद जयेश को हिरासत में लेने के बाद नागपुर पुलिस उसको यहां ले आई है। पिछले दिनों गैंगस्टर जयेश पुजारी ने जेल में रहते हुए धमकी भरी 3 कॉल लैंडलाइन नंबर पर की थी। गैंगस्टर ने 10 करोड़ की रंगदारी मांगी थी, जिसके बाद से नागपुर पुलिस में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कॉल मिलने के बाद गैंगस्टर जयेश पुजारी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए थे। अब नागपुर पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर जयेश पुजारी को हिरासत में ले लिया है और उसको बेलगांव कर्नाटक से नागपुर ले आई है। पुलिस धमकी के कॉल्स और वसूली की मांग को लेकर जयेश पुजारी से पूछताछ करेगी। नागपुर से BCN न्यूज के लिए अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।